उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप नेताओं ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नैनीताल और अल्मोड़ा जिला के प्रभारी शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं पार्टी में नई जिम्मेदारी के बाद समित टिक्कू ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोनिया जी का आदेश है कि हम पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेंगे। नगर पंचायत से लेकर नगर निगम वार्ड सारे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और पुरजोर तरीके से लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। उसी कड़ी में जो है कि हम संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं। आज हल्द्वानी में पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई समित टिक्कू जी को प्रदेश संगठन सचिव नियुक्त किया गया है माननीय प्रभारी जी के अनुमोदन पर, और साथ में नैनीताल जिले का आपको सह प्रभारी भी, पहले से भी हमारे दो सह प्रभारी हैं जिनको तीन तीन विधानसभा दिए, लेकिन मेरे साथ में सहयोग करने के लिए भाई समित टिक्कू जी को भी नैनीताल जिले की सह प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। सर, और पहले इसी तो तरह आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का, भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी का, और इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं मैं बहुत अच्छे से इनका निर्वाह करूंगा, और एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो अभी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे।